गुड इवनिंग इंडिया, नमस्कार, सत श्री अकाल, हेलो एंड वेलकम टू यू ऑल। मेरे और आपकी मुलाकात दूरदर्शन के माध्यम से पहली बार हो रही है, इसलिए मेरा परिचय देना तो बनता है। मेरा नाम है पूनम और आज के इस शो की मैं आपकी सारथी रहूंगी। आज का दिन बेहद ही खास है क्योंकि आज से ठीक एक साल पहले एक पहल की शुरुआत हुई थी, एक अभियान की शुरुआत हुई थी, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान की। इस अभियान को चले एक साल हो गया है और आज हम इसका आंकलन करने के लिए यहाँ पर जुटे हैं। वैसे देखा जाए तो सुरक्षित मातृत्व का सीधा संबंध महिला सशक्तिकरण से भी है, इसलिए आज हम आपके लिए एक खास पेशकश लेकर आए हैं महिला सशक्तिकरण को समर्पित, जिसका नाम है नारी। मेहंदी परांदी चांदी से बढ़कर है उसकी खूबसूरती, कड़छी कढ़ाई किताबों से बढ़कर है उसकी काबिलियत, बनाती हर पल हर दिन हर जिंदगी पहले से बेहतर, बिना थके मुस्कुराते हर काम कर देती, सलाम है तुझे नारी। नारी, इस खास पेशकश में हम हर महीने कोशिश करेंगे कि महिला सशक्तिकरण से जुड़े अलग अलग मुद्दों पर चर्चा की जाए, उन्हें उठाया जाए। आज चूंकि हम नारी की पहली कड़ी का आगाज कर रहे हैं तो स्वाभाविक तौर पर मुद्दा होता है सुरक्षित मातृत्व। सुरक्षित मातृत्व कोई एक चीज नहीं है या दो शब्द नहीं है, इसके कई आयाम हैं। ये ग्रामीण या शहरी समाज तक सीमित नहीं है, ना ही ये सही खान पान या देखभाल तक सीमित है, बल्कि इसका सीधा असर हमारी सामाजिक सोच और पुरुषों के नजरिए से भी है। इसके अलग अलग पहलुओं पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुटे हैं। आइए एक एक करके मैं आपको उनसे रूबरू करा देती हूँ। हमारे साथ हैं डॉक्टर दिनेश बिस्वाल, आप भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में डिप्टी कमिश्नर मेटरनल हेल्थ हैं। हमारे साथ डॉक्टर मंजू खेमानी जी भी हैं, जो कि एसोसिएट डायरेक्टर डिपार्टमेंट ऑफ ऑब्स एंड गायनी मैक्स साकेत हैं। साथ ही आप टेली गायनेकोलॉजिस्ट फोरम दक्षिणी चैप्टर की प्रेसिडेंट भी हैं। उसके साथ साथ हमारे साथ श्री वरुण दास जी भी हैं, जो कि मीडिया की जानी मानी शख्सियत हैं और एंटरप्रेन्योर भी हैं। मैं आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। इसके साथ ही हमारे साथ स्टूडियो में कुछ खास मेहमान दर्शकों के तौर पर भी हमारे साथ जुड़े हैं, जिनके सवाल भी हम बीच बीच में लेते रहेंगे। लेकिन उससे पहले कि हम चर्चा पर आगे बढ़ें, मैं आप सभी का ध्यान उस मन की बात की तरफ खींचना चाहती हूं, जिसका उल्लेख 2015 में प्रधानमंत्री ने अपनी मन की बात में कहा था। क्या कहा था नरेंद्र मोदी जी ने, आइए हम सभी सुनते हैं। हमारे देश में गर्भावस्था में जो माताएं हैं, उनकी जीवन की चिंता कभी कभी बहुत सताती है। हमारे देश में हर वर्ष लगभग 3 करोड़ महिलाएं गर्भावस्था धारण करती हैं, लेकिन कुछ माताएं प्रसूति के समय मरती हैं, कभी माँ मरती हैं, कभी बालक मरता है, कभी बालक और माँ दोनों मरते हैं। ये ठीक है कि पिछले एक दशक में माता की असमय मृत्यु के दर में कमी तो आई है, लेकिन फिर भी आज भी बहुत बड़ी मात्रा में गर्भवती माताओं का जीवन नहीं बचा पाते हैं। गर्भावस्था के दौरान या बाद में खून की कमी, प्रसव संबंधी संक्रमण, हाई बीपी, न जाने कौन सी तकलीफ कब उसकी जिंदगी को तबाह कर दे। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने पिछले कुछ महीनों से एक नया अभियान शुरू किया है, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान। इस अभियान के तहत हर महीने की 9 तारीख को सभी गर्भवती महिलाओं की सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में निशुल्क जांच की जाएगी।
एक भी पैसे के खर्च के बिना सरकारी अस्पतालों में हर महीने की 9 तारीख को काम किया जाएगा। मैं हर गरीब परिवारों से आग्रह करूंगा कि सभी गर्भवती माताएं 9 तारीख को इस सेवा का लाभ उठाएं, ताकि 9वें महीने तक पहुंचते पहुंचते अगर कोई तकलीफ हो तो पहले से ही उसका उपाय किया जा सके, माँ और बालक दोनों की जिंदगी बचाई जा सके। और मैंने तो गायनेकोलॉजिस्ट को खास कि क्या आप महीने में एक दिन 9 तारीख को गरीब माताओं के लिए मुफ्त में ये सेवा नहीं दे सकते हैं? क्या मेरे डॉक्टर भाई बहन एक साल में 12 दिन गरीबों के लिए इस काम के लिए नहीं लगा सकते हैं? पिछले दिनों मुझे कईयों ने चिट्ठियां लिखी है, हजारों ऐसे डॉक्टर हैं जिन्होंने मेरी बात को मान करके आगे बढ़ाया है, लेकिन भारत इतना बड़ा देश है, लाखों डॉक्टरों ने इस अभियान में जुड़ना चाहिए। मुझे विश्वास है आप जरूर जुड़ेंगे। महिलाएं किसी भी राष्ट्र की प्रगति का अहम हिस्सा हैं, और सुरक्षित मातृत्व हमारे उज्जवल भविष्य की नींव को और मजबूत करता है। चलिए इसी सोच के साथ आज की चर्चा का आगाज करते हैं, और मैं सबसे पहला और सीधा सवाल डॉक्टर बिस्वाल जी आपसे पूछना चाहती हूँ। इसका लक्ष्य है 3 करोड़ महिलाओं को सुरक्षा कवच देना। अभियान सफलता के कौन से पायदान पर है, हम आंकड़े देखें तो क्या कहते हैं? देखिए, ये अभी एक साल ही इस प्रोग्राम को जो है जब से ये चालू हुआ है, एक साल हुआ है, और इसके अंदर अभी मोर देन 50 लाख जो है एंटीनेटल चेकअप हो चुके हैं। तो मेरा मानना ये है कि ये प्रोग्राम अभी चल रहा है, इवॉल्व होता है, और 20-30% फर्स्ट ईयर के अंदर जो है कोई भी इतना बड़ा प्रोग्राम अगर आप इतने सारे लोगों को इन्वॉल्व करना चाहते हैं तो उसमें वक्त लगता है। तो शुरू में ये मुझे लगता है काफ़ी प्रॉमिसिंग है, उससे काफ़ी लोग जुड़ भी रहे हैं, और धीरे धीरे जैसे हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें जुड़ेंगे। तो रिपोर्ट कार्ड सेटिस्फैक्ट्री है आपके मुताबिक, आप संतुष्ट हैं? सेटिस्फैक्ट्री तो मतलब ये नहीं कहेंगे हम लोग, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग को जुड़ने का हम कोशिश कर रहे हैं, और काफ़ी कोशिश अभी जारी भी है। तो धीरे धीरे लोग जैसे जैसे, क्योंकि इसमें से काफ़ी लोग जो हैं हमारे ऐसे एरिया में भी गए हैं जो कि जहाँ पे डॉक्टर्स की कमी है, हाई प्रायोरिटी डिस्ट्रिक्ट्स हमारे 184 हम लोगों ने आइडेंटिफाई करे हैं, वहाँ पे करीबन 260 से ऊपर लोगों ने वहाँ पर जाके अपनी सेवाएं दी भी हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक मजबूत शुरुआत तो हुई है। सुरक्षित मातृत्व को लेकर हम सबके अंदर एक बहुत ही खूबसूरत सी उम्मीद जगी है, और इसी के साथ ही मैं आपके साथ एक खूबसूरत सा वीडियो शेयर करना चाहती हूँ जिसमें हमने माँ की भावनाओं को पिरोने की कोशिश की है। तू बढ़ चल नई फिजा नए रिश्तों की ओर, तू संभाल नई जिम्मेदारी नई आशाओं की डोर, खुली बाहों से समेट ममता के सागर को, खिलेगी कोख में खिलेगी गोद में वो प्यारी सी जान, तेरे वजूद को देगी नया आयाम, तुझे मां कह के बुलाएगी। सच कहती हूं सारी दुनिया तेरे आंचल में सिमट जाएगी। मां बनना किसी भी नारी के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है, लेकिन मातृत्व का सफर इतना आसान भी नहीं है, कई उतार चढ़ाव आते हैं। हमारे साथ जानी मानी डॉक्टर डॉक्टर मंजू खेमानी जी मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता को लेकर जब आप बात करती हैं अपनी पेशेंट से, तो क्या लगता है, क्या वाकई वो इतनी जागरूक होती हैं कि उन्हें क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, या छोटी छोटी बातों और मिथक्स में ही फंस कर रह जाती हैं?
तो पूनम, इसके लिए मैं ये जवाब दूंगी कि कुछ दो तरह के पेशेंट्स होते हैं, एक जो बहुत बढ़िया पढ़े लिखे हैं, जो नेट से सब कुछ पढ़ के आते हैं, बट आम जनता जो हमारी है उनको इस बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है कि उन्हें प्रेगनेंसी के दौरान चीज़ें लेनी चाहिए ताकि उनमें आयरन की कमी नहीं हो, उनको टाइम से हॉस्पिटल में आना चाहिए ताकि फॉलिक एसिड की गोली शुरू कर सकें, या उनमें अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है जैसे बीपी वगैरह हाई के लिए सरदर्द, तो दे शुड गो एंड कंसल्ट ए डॉक्टर. दे आर नॉट अवेयर ऑफ दिस. आम पब्लिक दे डू नॉट नो अबाउट मच. ये जो परेशानी है और ये जो आप कम्युनिकेशन गैप की बात कर रहे हैं, ये क्या शहरी महिलाओं में ज़्यादा है या ग्रामीण में, या दोनों की स्थिति बराबर सी ही है? मैं ये बोलूँगी कि शहरी महिलाएं थोड़ी सी बेहतर हैं गांव के कंपैरिजन में, बिकॉज गांव के कंपैरिजन में गांव वाली महिला को अगर पता भी है कि उसको दूध पीना चाहिए तो उसके पास पैसे नहीं ये सब लेने के लिए. मेरे पास एक छोटी लड़की आती है, उसने मुझे बोला हमारे गांव में सब लोग काली चाय पीते हैं. मैंने कहा क्यों? हमारे गाँव में दूध ही नहीं है. तो उन लोगों की दोनों की तरफ परिस्थिति अलग अलग है और दोनों की सही कह रहे हैं. बिल्कुल सही कह रही हैं कि एक सामाजिक परेशानी भी है, जागरूकता की कमी भी है. इसी से ही जुड़ता हुआ एक सवाल मैं श्री वरुण दास जी से पूछना चाहूँगी कि जब हम बात करते हैं जागरूकता की, तो यानी कि सबके पास सही जानकारी हो, सब अपने अधिकारों के बारे में, स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं जो उपलब्ध हैं उसके बारे में सही से जानते हों, तो ऐसे में एज ए मीडिया पर्सन आपको क्या लगता है कि क्या होना चाहिए ताकि सबके पास सही जानकारी, हर गर्भवती महिला के पास सही जानकारी पहुंचे? थैंक यू पूनम. एंड टू स्टार्ट विद, आई मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हेल्थ मिनिस्ट्री बिकॉज दे हैव स्टार्टेड दिस अभियान लास्ट ईयर एंड वेरी राइटली सो. एज वी सी दैट इफ यू इग्नोर 50% ऑफ आवर ऑडियंस ऑफ आवर पॉपुलेशन विच आर द वुमेन एंड वी डोंट फोकस ऑन देम, the country can never prosper. And it all starts with the motherhood when the woman is pregnant. Now, as far as the awareness issue is concerned, digital literacy is the only answer, which is again rightly taken up by the government of India. This is 1.2 billion population country. If you have to reach every corner, if you have to reach every person, you have to go digital. While connectivity, etc., is an issue, which will get sorted out, as we all know. Now, if you talk about digital literacy, I think we Indians have a very peculiar trait. I mean, we don't read. We don't like to read. We are far more comfortable, far more conversant with audiovisual communication. So, I think digital literacy is the way forward, but it has to be through audiovisual communication. That is exactly what, if you are aware of, that the startup that we've started is has come up with an app called Saheli, which is about pregnancy care. But unlike millions of apps in the world or internet, as she said, that the women come prepared who reside in cities, they come prepared reading internet, etc. But there are several such source of information. But what we've come up with is an audiovisual communication where a pregnant lady gets a video every day as per her expected date of delivery. Truly, this is now currently targeted towards urban audience, but we are talking to the ministry, we are talking to other departments to see that how that can be helped for, that can be used for rural audience as well. The ASHAs, ANMs who try to support the pregnant ladies in the villages, they can definitely use the technology that we have and the kind of content that we've come up with. तो डिजिटल लिटरेसी इस सारी समस्या का आपको एक समाधान सा नज़र आ रहा है, लेकिन मैं ये जानना चाहूँगी कि इस ऐप की खासियत क्या है, क्योंकि एक गर्भवती महिला अपना सारा काम धाम छोड़कर आपका ऐप देखे? नो, यू नो, द प्रेग्नेंट वुमेन आर ऑलवेज हंग्री फॉर इन्फॉर्मेशन, दे आर एंग्शियस, दे आर वरीड, व्हिच यू नो एंड आई हैव सीन व्हाइल माय वाइफ वाज प्रेग्नेंट. इन्फॉर्मेशन इज द फर्स्ट थिंग दैट एवरीबॉडी वुड लाइक टू हैव एंड दे सर्च फॉर इन्फॉर्मेशन. Sometimes it is difficult for them to assimilate the information that they've got. So this app has got answers to all. I mean, once you download it from App Store or Google Play, you would get to know that it has got advices from doctors. It has got provisions to keep connected with themselves, to exchange notes, etc., etc. And more importantly, most importantly, the video which comes in this app as per the expected date of delivery. बिल्कुल सही कहा कि आज हम जब आधुनिक भारत की बात करते हैं, डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, तो डिजिटल लिटरेसी भी उसका एक हिस्सा बन जाता है और जन जन तक या हर गर्भवती महिला को जागरूक करने के लिए ये एक अच्छा माध्यम हो सकता है.
अब मैं आपको एक छोटा सा वीडियो एक और दिखाना चाहती हूँ, जिसमें हमने माँ और उसके बच्चे के रिश्ते को आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश की है। महफूज हूँ मैं तेरी निगाहों में, पनाहों में। महफूज हूँ मैं तेरे हर ख्याल, हर सोच में। नहीं बर्दाश्त तुझे एक भी आंसू मेरा, नहीं बर्दाश्त तुझे एक भी शिकवा मेरा। तू करे मुझसे बेपनाह प्यार, करे मीठी तकरार। महफूज हूं मैं माँ तेरे आंचल में, महफूज हूं मैं। माँ और बच्चे का रिश्ता दुनिया में बेमिसाल है। मातृत्व का अद्भुत सफर सुरक्षित हो, इसलिए गर्भवती महिला के पास सही जानकारी होना, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं होना जरूरी है। उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये छोटी छोटी कोशिशें पसंद आ रही होंगी, क्योंकि भारत सरकार की बहुत सारी कोशिशें चल रही हैं गर्भवती महिलाओं को सुरक्षित मातृत्व प्रदान करने की। मैं सवाल पूछना चाहती हूँ डॉक्टर बिस्वाल जी से कि जब इस तरह के अभियान या योजनाएं चलाई जाती हैं तो कौन कौन सी चुनौतियाँ होती हैं, हर्डल सामने आती हैं जिनको पार करना वाकई बहुत मुश्किल सा लगता है? देखिए, इसमें क्योंकि जैसे आपने बताया कि 3 करोड़ महिलाओं के गर्भवती महिलाओं को हमें रीच करना है, तो उसमें चुनौतियां तो काफ़ी रहती हैं, क्योंकि भारत बहुत बड़ा देश है जिसके अंदर काफ़ी ऐसे एरियाज भी हैं जहाँ पे बड़ा डिफ़िकल्ट है, तो इम्प्लीमेंटेशन काफ़ी बड़ा चैलेंज होता है। बट अगर इसकी तैयारी अच्छी हो और काफ़ी उसकी प्लानिंग की जाए अच्छी तरीके से, तो उसकी एग्जीक्यूशन में कोई दिक्कत आती है तो उसको हम ओवरकम कर सकते हैं। बट ये ज़रूर है कि चैलेंजेस आते हैं, इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस आते हैं, और उसको अगर हम ठीक से प्लानिंग करके चलें तो उसमें हम काफ़ी कुछ अचीव कर सकते हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे चुनौतियाँ आती जाती हैं उनको वैसे वैसे उसको टैकल किया जा सकता है। इसी के साथ ही मैं एक और सवाल जोड़ना चाहती हूँ आपसे, जैसे कि 6,000 रुपये का एक सहयोग राशि के तौर पर जो योजना चलाई जा रही है, कहीं ना कहीं क्या वो गर्भवती महिलाओं को इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी यानी कि वो स्वास्थ्य केंद्र में जाकर डिलीवरी करवाएं, इसके लिए जो ग्रामीण स्तर पर उनको प्रोत्साहित करना, इसके लिए आप क्या कदम उठा रहे हैं और इसमें भी क्या चुनौतियां आती हैं? नहीं देखिए, उसमें काफ़ी एक हमने पहले हमारी एक जननी शिशु जननी सुरक्षा योजना एक कार्यक्रम चल रहा है, जिसके तहत हम ऑलरेडी जो है वो 1400 रुपये उनको मिलता है। अब ये 6,000 की एक और नई स्कीम जो है गवर्नमेंट की आई है, और उससे उसके साथ साथ एक और स्कीम हमारी चलती है जिसका नाम है जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। उसके तहत जितनी भी गर्भवती महिलाओं को जो भी उसको परेशानी एंटीनेटल के टाइम आती है उसको भी हम फ्री ट्रीटमेंट होती है, और जो खर्चा उसका नॉर्मल डिलीवरी में आता है और जो क्या कहते हैं सीजर इंसेक्शन में आता है, ये नो एक्सपेंस डिलीवरी है। इसके अंदर जब वो को उसको ट्रांसपोर्ट भी दिया जाता है घर से, उसको जो है जब भी फ़ोन वो करती है तो उस फ़ोन से उसको वहाँ से पिकअप किया जाता है और ड्रॉप बैक भी किया जाता है, तो सारा का सारा उसका खर्चा जो है इस जो JSS के थ्रू जो है वो टोटली फ्री होता है। तो इस तरह की 3 स्कीम्स जो दिस ये जो मैटरनिटी बेनिफिट स्कीम जो 6,000 की आएगी, ये तीसरी स्कीम होगी जो गवर्नमेंट लॉन्च कर रही है। और इन स्कीम्स के अंदर चुनौतियाँ यही होती हैं कि सही आदमी को पैसा मिले, और बेसिकली क्योंकि क्या होता है कि अभी गवर्नमेंट ने क्या किया है कि जो इश्यूज़ थे जैसे कि ट्रांसफ़र करने में, तो अभी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र होता है उसके जो है उसका जो अकाउंट है उसको आधार लिंक किया जाता है किया जा रहा है, तो उसकी वजह से क्या होता है उसी के अकाउंट में ट्रांसफ़र होता है पैसा। सबसे बड़ी कैश ट्रांसफ़र के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि जो जो महिला है राइट महिला है उसी को पैसा मिले, तो वो उसमें चुनौतियाँ होती हैं। लेकिन अगर उसको आप जैसे कि अभी गवर्नमेंट काफ़ी प्रिपेयर्ड होगी है, काफ़ी दिन से इस पर कार्य जो है कार्य चल रहा है, तो अब मुझे लगता है कि कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। अब मेरा दूसरा सवाल डॉक्टर मंजू खेमानी जी आपसे है,
जब हम सुरक्षित मातृत्व की बात करते हैं तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि मातृ मृत्यु दर कम हो। महिलाएं जो अपना जीवन खो देती हैं प्रेगनेंसी के दौरान, कॉम्प्लिकेशंस अलग अलग, खासकर कि ये ग्रामीण परिवेश में ज़्यादा इस चीज़ का परेशानी हम ये देखते हैं, तो ऐसे में इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी कितनी इम्पॉर्टेंट हो जाती है? मैडम, बहुत ज़रूरी है इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी। अनफॉर्चुनेटली इंडिया इतना बड़ा है ना कि हम ऐसा सिग्रीगेट नहीं कर सकते कि ये पेशेंट नॉर्मल है, इसकी डिलीवरी घर पे हो, बिकॉज हमारे पास इतने साधन नहीं है कि अगर उस पेशेंट को कोई तकलीफ हो तो उसको तुरंत ट्रांसपोर्ट कर दिया जाए, राइट, जैसे यूके वगैरह में होता है। तो हिंदुस्तान में तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी लें। हालांकि इसका बहुत बड़ा ये रहेगा कि पेशेंट की ढंग से केयर नहीं हो पाएगी, बिकॉज अस्पताल ओवरबर्डन हो जाएंगे। बट इसमें कोई दो राय है ही नहीं कि अगर पेशेंट टाइम से हॉस्पिटल पहुंच जाएगा तो अगर उसको ब्लीडिंग है या वो एनीमिक पेशेंट है या उसको कन्वल्शंस आ रहे हैं, उसका बीपी हाई है, ये सब चीज़ें हम अस्पताल में ही दे सकते हैं। हालांकि काफ़ी पेशेंट्स की नॉर्मल डिलीवरी होती है, ये सब अननेसरी होगा कि हम इनको भी इंस्टीट्यूशन में ला रहे हैं। बट इतने बड़े भारत में हम ये कैसे डिसाइड करें कि और ना, या तो हमारे पास इतना बढ़िया ट्रांसपोर्ट हो कि पेशेंट को तुरंत हम ट्रांसपोर्ट कर सकें, तब तक तो आई थिंक जब तक हम लोग वो डेवलप ना कर पाएँ ट्रांसपोर्ट, patients should come to the hospital। इसी से ही जुड़ता हुआ एक सवाल डॉक्टर साहब बिस्वाल जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जब हम ग्रामीण लेवल पे देखते हैं, आशा वगैरह को देखते हैं, क्या उसमें कोई ऐसा सिस्टम है जिसमें उनको इंसेंटिवाइज किया जाए ताकि वो प्रोत्साहित करे गर्भवती महिलाओं को कि वो स्वास्थ्य केंद्र में जाए? नहीं, ऑलरेडी स्कीम चल रही है जो 1400 रुपये जो गर्भवती महिला को दिया जाता है, उसमें से 600 रुपये जो है वो आशा को दिया जाता है, जिसकी वो जिसने जिसको वो जो है इंस्टीट्यूशन पे लेके आती है। और अभी अगर आप देखेंगे तो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी हमारी कम से कम डबल हो गई है। जो पहले NFHS 3 और NFHS 4 का जो डाटा अगर आप देखेंगे तो इंस्टीट्यूशनल अभी 79% हो गई है हमारी डिलीवरी, मोर लेस 80 के नज़दीक आ गई है। तो ये जो है उसमें काफ़ी बदलाव आ रहा है। और डॉक्टर साहब ने बिल्कुल सही कहा कि इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी का मतलब बेसिकली क्या होता है, सेफ डिलीवरी। कोई कॉम्प्लिकेशन आती है, कुछ आती है, तो देयर आर यू नो स्टाफ इज़ देयर, द नर्स इज़ देयर, द डॉक्टर इज़ देयर, एंड दे कैन अटेंड टू एनी कॉम्प्लिकेशन विच हैपेंस। बिकॉज कोई भी डिलीवरी के अंदर ये नहीं किया जा सकता प्रेगनेंसी के अंदर या डिलीवरी जब हो रही है कि ये सेफ मतलब रहेगी, लास्ट मिनट कॉम्प्लिकेशन भी आ सकती है। तो उस सब को देखते हुए इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड। आपकी बातों से मुझे एक चीज़ साफ नज़र आती है कि हमारे समाज को प्रेगनेंसी जैसे टॉपिक्स को लेकर, गर्भवती सुरक्षित मातृत्व जैसे मुद्दों को लेकर सेंसिटिव होने की ज़रूरत है। हम लोगों को ज़्यादा इस बारे में सोचने की और जागरूक होने की ज़रूरत है। वरुण दास जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपने एक स्टार्टअप शुरू किया और आपने पहला ही अपना वेंचर प्रेगनेंसी केयर को जोड़ते हुए किया, ये आपको रिस्की नहीं लगा? नहीं, रिस्की नहीं लगा। एक्चुअली आई हैड हर्ड फ्रॉम समवन हु सेड दैट इफ़ यू वांट टू स्टार्ट अ बिजनेस एंड इफ़ यू अलाइन इट विथ योर कंट्रीज ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी, योर चांसेस ऑफ सक्सेस इज़ हायर। सो आई थॉट दैट व्हाइल वी वुड लाइक टू वेंचर आउट एज अ स्टार्टअप, इट्स एन ऑडिशियस जॉब, व्हाई नॉट वी लुक एट समथिंग विच द कंट्री नीड्स। एंड एज बोथ डॉक्टर बसवाल एंड डॉक्टर किमानी वाज सेइंग, finally it boils down to awareness. First of all, you have to know that what's good for you, what's right for you, and then you have to know what's there in it, what's there, what is there for me, what I can avail of. So that's the first step, and I think once the step has been taken, it's only a matter of time that finally the destiny would be reached. आपसे मैं एक और सवाल भी पूछना चाहूंगी, क्योंकि आपने कॉर्पोरेट कल्चर बहुत देखा है, ये सवाल शायद जो ग्रामीण परिवेश है उसमें इतना ज़्यादा प्रिवेलेंट ना हो, लेकिन जो शहरी तबका है या जो कामकाजी महिलाएं हैं उनको ये बात खलती है कि जब एक बार वो गर्भावस्था पार कर लेती हैं तो लगता है कि करियर पर एक रुकावट आ गई। हालांकि सरकार ने मातृत्व अवकाश की अवधि बढ़ा दी है, उसके बाद भी कई बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं, लेकिन एक जो माहौल बनता है कि अब ये प्रेग्नेंट हो गई हैं, अब पता नहीं बच्चे के बाद ये काम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, उस पर आपका क्या कहना है? इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन पूनम, एंड आई माइट जस्ट बिकम अ लिटिल फिलोसॉफिकल अबाउट इट। व्हाट आई हैव लर्न्ड फ्रॉम माय एक्सपीरियंस दैट ऑन एन एवरेज इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड एवरी टाइम द वुमन बिकम्स अ मदर शी लूजेस अप्रॉक्सिमेटली 5 years ऑफ अ करियर। And in any way, I feel women have a far difficult role to play, especially in India. And we Indian men make it more difficult for Indian women. We don't share their responsibilities. We don't understand that what are our obligations. So therefore, it's a
double challenge for a working woman. She possibly handles two different worlds, like an ambidextrous. And we men, most of the times, are happy handling one of them and don't even care for the other one. So therefore, a corporate woman loses at least 5 years of her career every time she gives birth to a baby. So it's so much more challenging. हमारे साथ ऑडियंस में महिलाएं ही महिलाएं हैं और हम उनसे गुजारिश करेंगे कि अगर उनके मन में कोई सवाल है तो पैनलिस्ट हमारे सामने हैं, आप सवाल पूछ सकती हैं। अपना नाम और छोटा सा इंट्रोडक्शन देते हुए सवाल पूछिए। मैं डॉक्टर अनीता रजौरिया हूँ, मैं विभागाध्यक्ष हूँ, स्त्री रोग विशेषज्ञ हूँ एक दिल्ली सरकार के अस्पताल में। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जो सहेली ऐप आपने लॉन्च किया है, ये अभी किन किन हिंदी के अलावा और किसी भाषा में भी उपलब्ध है? मैम, ये अभी तो फिलहाल हिंदी में है, इंग्लिश में है और बंगाली में है। हम लोग इस पे काम कर रहे हैं, हम लोग पंजाबी लाएंगे और फिर उसके बाद मराठी और 4 साधन लैंग्वेज जो आएगा। तो लगभग कोशिश यही रहेगी 90% ऑफ द कंट्री वो द लैंग्वेज दे स्पीक ये ऐप उसी लैंग्वेज में हो। इस विषय में भारत सरकार ने भी फ़ोन पर इंफॉर्मेशन देने के लिए किलकारी एक फ़ोन पे उपलब्ध सेवा है, जिसमें कि उनको मैसेजेस, टाइम बाउंड मैसेजेस दिए जाएंगे जब वो PMSA में रजिस्टर होती हैं। तो मैं सर से भी जानना चाहूँगी कि वो अब कहाँ तक पहुँचा है किलकारी में। वो उसमें जो अप्रोप्रिएट उनकी जो जेस्टेशनल पीरियड होता है उसके हिसाब से उसको मैसेजेस मिलते रहते हैं लगातार, और वो काफ़ी जो है कार्यक्रम चल रहा है, काफ़ी टाइम हो गया उसको चलते हुए। कोई और सवाल पूछना चाहते हैं? पूनम, कैन आई जस्ट आस्क वन क्वेश्चन फ्रॉम हिम? हाँ जरूर, क्यों नहीं। सो सर, आई हैव वन क्वेश्चन फ्रॉम यू। जैसे बहुत टाइम पहले दिल्ली के जो सारी दूरदर्शन की या किसी की भी जो चैनल्स होती थी, सीरियल्स के बीच में एक एडवर्टाइजमेंट आती थी कि नवजात शिशु के लिए माँ का पहला दूध बहुत ज़रूरी होता है। आप लोग सरकारी, ये लोग क्यों नहीं, ये ऐसा क्यों नहीं करते कि जो भी ये जो सीरियल्स, इंपॉर्टेंट सीरियल जो आपको पता है औरतें देखती हैं, उनके बीच में कि गर्भवती महिला को आयरन की ज़रूरत होती है, आप खाना अपना लोहे के बर्तन में बनाइए, आप हरी सब्जियां लीजिए, या इस तरह की कुछ क्यों नहीं शुरुआत करते हैं? बिकॉज दिस इज़ व्हाट एक्चुअली वी नीड, यू नो। नहीं है इसके ऊपर जो बेसिकली मैं आपको बता दूं, एक तो जो आपने जो शुरू का दूध के बारे में बात की, इसके लिए तो गवर्नमेंट ने ब्रेस्ट फीडिंग को प्रमोट करने के लिए एक माँ प्रोग्राम स्टार्ट किया है। दूसरा जो है वो आप जो कह रहे हैं बेसिकली बीच बीच में जो एडवर्टीजमेंट के बारे में, वो एक्चुअली क्या है, गवर्नमेंट जो है वो करती है और उसके लिए स्लॉट्स वगैरह होते हैं और जो हम बाय करते हैं और उसके अंदर जो जितना जो प्रोग्राम होता है उसी के हिसाब से किया जाता है। एंड ऑफ कोर्स वही माध्यम नहीं है हमारा, जो बेसिकली हमने क्या है कि एक आपको मैं जानकारी, सभी को जानकारी देना चाहता हूँ कि हम लोगों ने अपने डिवीजन से एक सेफ मदरहुड बुकलेट बनाई है जिसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन है, जिसके अंदर क्या खाना चाहिए, कितनी देर सोना चाहिए, कौन सी आपको प्रिकॉशन लेने हैं, अगर आपको प्रॉब्लम होती है क्या डेंजर साइन है, वो सारी चीज़ें उसमें मौजूद है। और वो उसके हम रिवीजन भी अभी करने वाले हैं जिसके अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें ऐड होंगी उसके अंदर। तो एक्चुअली में वो है, और दूसरा एक MCP कार्ड होता है जो हर समय गर्भवती महिला के पास रहता है जिसके अंदर पूरी इन्फॉर्मेशन होती है। मैं कुछ बोलना चाहता हूँ इस बारे में। एक प्रॉब्लम इंडिया में है that we say that we are about 70% literate, but as you know, as per census definition, we define literacy as somebody who can sign her name. So therefore, if you really look at that, how many people can benefit from reading something, that's a question mark. The second is, you know, advertising, with my experience over 25 years in media, I can say that all of you possibly would be watching a news or serial. What do you do during advertising? You mute it, you switch it off. You don't, advertising is like the normal notion of advertising is somebody is trying to sell me something. So there is a natural antipathy towards advertising. So I think the right way about it is that there has to be compelling content where you would tell people what they should know. It is not that you advise them, it is not, the moment you advise them, both the ears get shut down. There's enough advice. So that's the way forward, that you have to come up in right medium, communication which are not really advisory, which are not really preaching, which are lovely communication which somebody would like to sit back and watch, but the education should be there embedded in it. So that's what again I'm trying to say, that is what we've tried in Saheli.
आपने बिल्कुल पते की बात कही, जो कहते हैं कि बार बार कोई बात कही जाए, ज्ञान दिया जाए, तो किसी को समझ नहीं आता। हम भी हमारे बचपन की वो कहानियाँ याद रखते हैं जो कभी हमने कहीं से सुनी है, छोटी छोटी कहानियाँ, और उन्हीं से हम अपनी ज़िंदगी के मूलभूत सिद्धांत समझने की कोशिश करते हैं। हमारी ऑडियंस बहुत सारे सवाल पूछना चाहती है। जी हाँ, पूछिए। मैं डॉक्टर रत्ना सक्सेना स्त्री रोग विशेषज्ञ हूँ, दक्षिण दिल्ली में प्रैक्टिस करती हूँ। मेरा सवाल वरुण जी से है कि आपके ऐप में मातृत्व के 9 महीनों का तो बहुत उल्लेख होगा, लेकिन क्या आपने डिलीवरी के बाद का कुछ प्रोग्राम संभाला है उसमें? बिकॉज वो उतना ही ज़रूरी होता है उनको समझाना कि आपका ख्याल उस समय में ज़्यादा रखना पड़ेगा। एब्सोल्युटली करेक्ट डॉक्टर, हमने ये शुरुआत किया है। एज यू नो, स्टार्टअप हैज़ लिमिटेड कैपिटल, लिमिटेड रिसोर्सेज। हमारी शुरुआत वहीं से हुआ है। After delivery, the precautions and the basic information which they need, that we have given towards the end of this app. Like, this app is as per expected date of delivery, when the pregnant lady is in her 8th month or 9th month, so we mentioned that. But more importantly, you know, that's in the middle. The way we look at it, that after that, we a natural progression that we have, that we would come into baby care, the up to 5 years when IMR is counted for. So till then, the hand holding is required till the time the kid is finished his immunization. So we are going to add that. And the entire issue, I'm told, obviously I learned from others, that for instance anemia is one of the biggest problems in India amongst pregnant women, and that starts right there when the girl attains puberty. So our plan is that we start off from there. We would start off from women's health. We are in the middle, we would move into baby care and then further adolescence, etc. Thank you. यहीं से मैं क्यों लेना चाहती हूँ कि शिक्षा बहुत बड़ा योगदान निभाती है किसी भी महिला की सोच को विकसित करने के लिए। मैं समाज की बात तो बाद में करूँगी क्योंकि उसमें पुरुष और स्त्री और भी कई सारी चीज़ें आ जाती हैं। मंजू मैनी जी, जब आपके पास पेशेंट्स आते हैं तब आपको भी ये चीज़ का एहसास होता है कि कहीं ना कहीं जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसमें सेक्स एजुकेशन को लेकर या एक महिला किस तरह के शारीरिक और मानसिक बदलावों से गुजरती है, ना सिर्फ गर्भावस्था के दौरान बल्कि अपनी किशोरावस्था के दौरान, इन सब की जानकारियां भी अच्छे से होनी चाहिए? बिल्कुल। आप देखिए, इतनी लड़कियां जो आती हैं, जो मेरे पास टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के लिए आती हैं, अगर उनको कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में नॉलेज होता, दे कैन सेव देमसेल्स फ्रॉम ऑल दिस। इफ दे न्यू अबाउट द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, दे कुड हैव सेव देमसेल्स। एक औरत जब प्रेग्नेंट होती है, उसे पता ही नहीं होता है कि उसे क्या क्या हो रहा है। तो हमारी जो एजुकेशन है वो सिर्फ किताबों तक ना सीमित होके कहीं ना कहीं एक सेक्शन ऐसा होना चाहिए जहाँ स्टूडेंट को, विद्यार्थी को बताया जाए कि लाइफ में आपके इस दौरान ऐसा भी होगा। और सेक्स एजुकेशन तो बहुत अहम इम्पॉर्टेंस है आजकल, बिकॉज नाउ इंडिया इज चेंजिंग सोसाइटी। डॉक्टर साहब, आप इस पर कुछ कहना चाहते हैं क्या? देखिए, हमारे यहाँ पे एक राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम चलता है, उसके तहत ये जो एडोलेसेंट जो है, दैट्स अ वेरी बिग ग्रुप इन इंडिया। सो वी आर अराउंड 236 मिलियन। सो बेसिकली वो जो है उसको एड्रेस करने के लिए एनीमिया इज़ ए बिग प्रॉब्लम, जैसे बोला है, उसके अंदर हम लोग विस प्रोग्राम चलाते हैं। उस बेसिकली जो एनीमिया का है, हमने सारा लाइफ साइकिल अप्रोच फॉलो करते हैं कि बच्चे के अंदर और एडोलेसेंट्स में भी। तो मुझे लगता है कि हमारे यहाँ पे काफ़ी सारे एडोलेसेंट फ्रेंडली क्लिनिक्स भी चलते हैं और उस पर काफ़ी कुछ हम लोग काम कर रहे हैं, पीयर एजुकेशन के ऊपर काम कर रहे हैं, तो ये सब हो रहा है। मेरे हिसाब से ना, अगर आप अब्रॉड देखें, वहाँ पे सेक्स एजुकेशन इज़ ए पार्ट ऑफ स्कूल करिकुलम, वी शुड स्टार्ट दैट ईयर नाउ। अब वो स्थिति आ गई हमारे यहाँ। वो उसमें किया है, बहुत सारी चीज़ें की जा रही हैं, बट नॉट डायरेक्टली सेक्स एजुकेशन, बट उस पर काफ़ी कुछ किया जाता है, जो कि कई स्टेट्स ने उस पर एक्सपेरिमेंट भी किया है। एंड वो बेसिकली उसको स्ट्रेंथन किया जा रहा है कि किस तरीके से देख जैसे जैसे प्रोग्राम इवॉल्व होता है उसमें वैसे वैसे वो चीज़ें ऐड होती हैं। क्योंकि पीयर एजुकेशन का, क्योंकि हमारे यहाँ पर क्या है, बहुत सारे स्कूल में भी हैं और स्कूल के थ्रू भी हम करते हैं और आउट ऑफ स्कूल भी करते हैं, तो ये सब कार्यक्रम है उसके अंदर। आप सबकी इसी चर्चा से मैं एक और क्लू लेती हूँ कि हमारे यहाँ लड़का होगा या लड़की, कोई भी महिला गर्भवती बाद में होती है, पहले सामाजिक तौर पर ये दबाव बनना शुरू हो जाता है कि भाई हमें तो लड़का चाहिए,
खानदान का नाम कौन चलाएगा, वंश कैसे आगे बढ़ेगा। जब आपके पास महिलाएं आती हैं डॉक्टर मंजू खेमानी जी, तो क्या आपके सामने भी वो इस तरह के सवाल रखती हैं कि मेरा रंग काला हो रहा है तो शायद मुझे लड़का होगा, या मेरा नमकीन खाने का मन कर रहा है तो शायद मुझे लड़की होगी, क्या इस तरह के सवाल आपके सामने आते हैं? बिल्कुल पूनम, ये तो चली आ रही है पीढ़ी दर पीढ़ी बातें। मेरी दादी बोलती है आपका पेट ऐसा दिख रहा है तो तुम्हारा लड़का होगा, और वो सब जानना भी चाहती हैं। पर अब कुछ थोड़ा सा बदलाव आ रहा है, किस लिए जाना चाहती हैं शहरी, उसमें डॉक्टर साहब मैं पिंक बाय करूं, मुझे कपड़े खरीदने हैं, पर पूछेंगे ज़रूर जी। और जो क्या कहते हैं अपने कुछ कस्टम्स ऐसी भी हैं कुछ कम्युनिटीज़ में, वो इसलिए जाना चाहते हैं कि अगर हमारा लड़का होगा तो हमें इतना उनको पैसा देना पड़ेगा। जी जी, सो बहुत सारे वेरियस रीज़न हैं, वो जानना चाहते हैं। लेकिन ये ना हमारे समाज की कड़वी हकीकत है, हम चाहे खुद को कितना ही पढ़ा लिखा और आधुनिक साबित करने की कोशिश करें, लड़का या लड़की ये जो अंतर है हम इसको पाट नहीं पा रहे। और जैसे कि हम चर्चा के बीच में कह रहे थे कि कहानियाँ बड़ा अच्छा माध्यम होती हैं बड़े से बड़े संदेश को बड़ी सरलता से पहुँचाने के, तो हम आपके लिए एक छोटी सी कहानी लेकर आए हैं जिसका नाम है वंश, और उम्मीद करते हैं कि आपको वो पसंद आएगी। ऑपरेशन थिएटर के बाहर खड़े आलोक को जैसे ही डॉक्टर ने कहा मुबारक हो बेटी हुई है, आलोक के चेहरे पर रौनक आ गई। कई बरसों के इंतजार के बाद सुधा माँ बनी थी, उसकी खुशी में सुकून भी था और शुक्रिया भी। लेकिन परिवार में इस नन्ही मेहमान के आने से हर कोई खुश नहीं था। पोता नहीं पोती हुई है ये जानकर दादी का तो दिल टूट गया। इतनी मिन्नतों के बाद ऊपर वाले ने सुनी भी तो क्या, लड़की दी, हमारी तो किस्मत ही खराब है। दादी गुस्से में बड़बड़ाए और रोए जा रही थी, लेकिन आलोक और सुधा को मानो उनकी दुनिया मिल गई थी। 25 साल बाद आखिर वो दिन आ गया जिसका हर माँ बाप बेसब्री से इंतजार करते हैं। आज सुधा और आलोक की बेटी साक्षी की शादी है। 25 साल में दुनिया बहुत आगे निकल गई, लेकिन दादी के मन में ये मलाल अब भी था कि खानदान का नाम रोशन कौन करेगा। लड़कियों को वो लड़कों के मुकाबले कम ही आंकती थी। खैर, गाजे बाजे के माहौल और वरमाला की रस्म के बीच अचानक गोली की आवाज आई। हाथ में पिस्तौल लिए विक्रम खड़ा था, वही कॉलेज का गुंडा विक्रम, जिसकी छेड़खानी का जवाब सुधा ने पूरे कॉलेज के सामने थप्पड़ से दिया था। विक्रम आज उसी बेइज्जती का बदला लेने आया था। विक्रम की पिस्तौल को देख दुल्हे मियां साइड को खिसक गए और बारात में मौजूद सभी बेटों ने कोने पकड़ लिए कि तभी विक्रम के सिर पर दादी ने जोर से लाठी मारी। इससे पहले कि विक्रम कुछ समझ पाता, साक्षी ने एक हाथ घुमाया और विक्रम का मुंह तोड़ दिया। कराटे में ब्लैक बेल्ट साक्षी ने विक्रम की जमकर धुनाई की। बेइज्जती करने आया विक्रम खुद तार तार हो गया। उस दिन साक्षी की हिम्मत ने दादी की सोच को भी बदल दिया। सुधा और आलोक ने साक्षी को कभी बेटे से कम नहीं माना, उसे कराटे तक सिखाए। साक्षी अब दूसरी लड़कियों को कराटे सिखाती है। खानदान का नाम बेटा नहीं बेटी रोशन कर रही है। हमारे स्टूडियो में जो खास मेहमान बैठे हैं वो ये फिल्म देखते हुए हल्का सा मुस्कुरा रहे थे, मैं देख रही थी सभी को। कहानी बड़ी फिल्मी सी थी, लेकिन हम सबकी जिंदगियों से कहीं ना कहीं इसके तार जुड़े से लगते हैं। एक एक करके मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि ये जो वंश की कहानी थी जिसने दादी की सोच को बदला, हमारे समाज की दादी नानी माएँ बुआ ये सारी अपनी सोच बदल दें, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम भी तो समाज के प्रतिनिधि हैं। डॉक्टर बिस्वाल जी, आपसे मेरा सवाल। देखिए, वो सोच जो है वो आप सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि अगर कोई उसको लीड करता है तो जो जिस सोसाइटी में जो लोग हैं, अगर कोई प्रोमिनेंट लोग इसके ऊपर फॉलो करते हैं और वो जब आगे बढ़ के इस तरह के कुछ करके दिखाते हैं तो मेरे ख्याल में काफ़ी लोगों के लिए जो है वो फिर एग्जाम्पल बनते हैं एंड जो बाकी लोग हैं उनको फॉलो करते हैं।
तो मुझे लगता है जो जितने लोग जिस जिस सोसाइटी के अंदर है, अगर वो ये समझें कि एजुकेशन बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि उसका पूरा एजुकेशन इज़ अ बिग लीप जो आदमी की सोच ही टोटल चेंज कर देता है। तो मुझे लगता है कि जब तक, और जैसे जैसे अब बच्चे कम हो रहे हैं, दो फैमिली तीन बच्चे होते हैं, दो या तीन, तो उसके अंदर एक बच्चे भी होते हैं, तो वो उसके अंदर बच्चा जो है बेसिकली, चाहे लड़का हो या लड़की हो, आजकल वो सोच धीरे धीरे चेंज हो रही है। और सबसे बड़ा यही है कि जो प्रोमिनेंट लीडर्स हैं या जो भी हैं, अगर वो उसकी सोच को इसको बदल दें और दिखाएं कि कोई लड़की है वो भी कुछ कर सकती है, जैसे आपकी फिल्म में दिखाया था, तो हाँ, सरकार इस तरह के कार्यक्रम भी चला रही है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस तरह के कई और कार्यक्रम भी चल रहे हैं। हाँ। लेकिन फिर भी ज़मीनी हकीकत तक आने में, इन इन चीज़ों को ग्राउंड लेवल पर एक ड्रास्टिक चेंज लाने में शायद टाइम लगेगा। आप मुझसे इत्तफाक रखती हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और ये टाइम तब तक लगेगा जब तक एक लेवल ऑफ एजुकेशन नहीं आती, जब तक लोगों को डावरी लेना देना कम्प्लीटली ख़त्म नहीं हो जाता। बेसिक रूट कॉज तो इसका यही है ना लड़की के लिए, क्योंकि वो डावरी दी जाएगी, जब ये सिस्टम ही नहीं रहेगा देयर बी नो प्रॉब्लम। और हमारे साथ ऑडियंस भी बैठी है, आप में से अगर कोई कुछ कहना चाहे जेंडर बायसनेस पे या अपने मन की कोई भी बात, तो प्लीज कहिए। मैं डॉक्टर नेहा जैन, मैं अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस करती हूँ दिल्ली मेहरौली में। मेरा सवाल डॉक्टर मंजू खेमानी से है, ये सुरक्षा मातृत्व अभियान के तहत, जैसे कि ये है कि प्राइवेट क्लिनिक्स में भी प्रधानमंत्री के उनसे निवेदन से हमें मरीज़ों को मुफ्त सेवा उपलब्ध करानी चाहिए, तो जैसे कि हम उनका एग्जामिनेशन तो फ्री ऑफ कॉस्ट करते ही हैं, पर यहाँ पे मैं मैम से गाइडेंस लेना चाहूँगी कि हम इसके अलावा अपने मरीज़ों को क्या क्या और सुविधाएँ उपलब्ध करा सकते हैं। नहीं, एग्जामिनेशन तो एक चीज़ है, पर उसके बाद तो आई मीन आई थिंक यू शुड आस्क दिस क्वेश्चन फ्रॉम हिम, यू नो, बिकॉज अल्टीमेटली क्वेश्चन आएगा कि जैसे आपने कुछ टेस्ट कराए, उनकी पेमेंट कहाँ से आएगी? अगर आपने उनकी डिलीवरी कराई, वो पेमेंट कितनी होगी, वो कहाँ तक आएगी? सो आई थिंक ही विल बी द राइट पर्सन टू टेल यू दैट। यस सर, इफ यू कुड प्लीज आंसर। देखिए, एक तो मुझे लगता है कि इसकी मैं थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन कर दूँ, क्योंकि क्या है कि हमने जो अभी जो कार्यक्रम चल रहा है उसके तहत ये है कि प्राइवेट जो वॉलंटियर्स हैं या जो भी डॉक्टर्स हैं जो अपनी सुविधाएं देना चाहते हैं, वो गवर्नमेंट फैसिलिटी में आके देंगे, प्राइवेट में नहीं देंगे वो। तो एक तो ये क्लैरिफिकेशन है, क्योंकि जो मैडम ने जो इशू उठाया वो बिल्कुल सही है, क्योंकि उसके साथ क्या है कि हम लोग जहाँ पर भी, ये हमारे यहाँ मोर देन 11,500 फैसिलिटीज़ जो हैं जहाँ पर सर्विसेज प्रोवाइड हो रही हैं ना, वहाँ पर हम लोगों ने कोशिश ये की है कि महिला को बार बार ना आना पड़े, तो सारी की सारी जांच इंक्लूडिंग अल्ट्रासाउंड वो सारी एक ही बार होनी चाहिए। हमने अब अपने जो गाइडलाइन जो सर्कुलेट की है, जो लोगों के साथ शेयर की है, उसके अंदर क्लियर कट बताया है किस तरह से फ़्लो होना चाहिए। उस फ्लो से अगर वो चलेंगे तो उसके अंदर एक, जिस दिन उनकी जाँच होगी, रिपोर्ट होगी, सेम डे उनको हैंड ओवर करनी है, और उसी समय उनकी जाँच अल्ट्रासाउंड भी करके आपको उनकी रिपोर्ट भी उसी दिन हैंड ओवर करनी है। तो ये सब उसके अंदर है। दिल्ली के विभिन्न जिलों में अगर आप RCH पोर्टल पर अपने को एक, हमारे साथ एक दर्शक मौजूद हैं, हाँ, हाँ, तो वो ये उसमें ऐसा सुविधा है, दिल्ली सरकार ने ये किया है कि जिलों के अनुसार बांटा गया है दिल्ली को विभिन्न भागों में, और जो भी डॉक्टर उसमें आमंत्रित हैं, प्राइवेट वाले जो उसमें काम करना चाहते हैं, वो उस पोर्टल RCH पोर्टल पर जाकर अपनी रजिस्ट्री कराएँ, और उस लिस्ट को वो तैयार करते हैं, हर बारी देखा जाता है, और उसको जहाँ उन्हें लगता है कि पेशेंट लोड ज़्यादा है और डॉक्टर कम है, वो प्राइवेट डॉक्टर्स उन सरकारी अस्पतालों में या सरकारी व्यवस्थाओं में उनको प्रस्थापित किया जाता है, उस खासकर 9 तारीख के लिए, और क्योंकि वो एक ही प्लेटफॉर्म है, वो सारी सुविधाएं दी जाती हैं वहाँ पे, तो आपका अल्ट्रासाउंड मरीज़ का जो भी इन्वेस्टिगेशन है, खून के, पेशाब आदि की जांच जो है, वो सब वहाँ मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है, परंतु आपको इसके लिए RCH पोर्टल पर अपना जो है रजिस्ट्रेशन कराना होगा। डॉक्टर बिस्वाल कुछ कहना चाह रहे हैं? वो उसमें ऐसा है कि उसमें 4 तरीके से आप रजिस्टर करा सकते हो अपने आप को, जो भी वॉलंटियर है। एक तो क्या है, एक तो पोर्टल हमारा चलता है जो प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के नाम से ही पोर्टल है, वहाँ पर रजिस्टर करा सकते हो। एक टोल फ्री नंबर है, एक SMS के थ्रू, और एक मोबाइल ऐप्स के थ्रू भी आप कर सकते हैं। तो ये 4-4 वेज हैं जिसकी वजह से आप अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि करीबन 4,000 के करीब ऑलरेडी वॉलंटियर्स हमारे पास रजिस्टर्ड हैं, जिसमें से करीबन 1600 ने ऑलरेडी सुविधाएँ हमें प्रोवाइड की हैं डिफरेंट फैसिलिटीज़ में, डिफरेंट स्टेट्स में। हम जब सुरक्षित मातृत्व की बात करते हैं तो हम सारी जिम्मेदारी, सारा दारोमदार महिलाओं पर डाल देते हैं,
कि ये महिला की जिम्मेदारी है कि वो आयरन की टैबलेट्स ले, फॉलिक एसिड ले, समय पर खाए पिए सोए, अपनी सेहत का ध्यान रखे। लेकिन पुरुषों का क्या, क्योंकि वो भी तो इस समाज का हिस्सा हैं, वो भी तो परिवार का हिस्सा हैं। इस सुरक्षित मातृत्व के सारे अभियान में एक कड़ी उनके साथ भी जुड़ती है। तो मैं ये सवाल वरुण दास जी आपसे जानना चाहती हूँ, चूँकि आपका एक बहुत लंबा एक्सपीरियंस रहा है मीडिया में और सब जगह, पुरुषों का क्या योगदान हो सकता है सुरक्षित मातृत्व में? वेल, आई थिंक एज मच एज द ऑलमोस्ट एज मच एज द वुमन हैज इट्स द जर्नी ऑफ प्रेगनेंसी इज अ जर्नी विच बोथ द मैन एंड द वुमन विल हैव टू ट्रैवल टुगेदर। दैट इज एन आइडियल केस। आई मीन देयर इज नो टू वे अबाउट इट। इन फैक्ट द मैन वुड फील इवन मोर रिस्पॉन्सिबल बिकॉज ही इज नॉट डूइंग द रियल थिंग। The real pain and the real carrying the baby is being done by someone else. So the only role that he has to play there is to be there constantly and be a constant support. So it has to be the most responsible role played by a man. हमने सुना है कि जो आप काम कर रहे हैं उसमें भी आपने कुछ इस तरह के मुद्दों को उठाने की कोशिश की है, और हमारे पास भी एक उसी तरह का एक वीडियो भी मौजूद है जिसमें हमने सामाजिक और पुरुषों के जो योगदान है उसको लेकर कुछ बुनने की कोशिश की है। आइए देखते हैं। और सुनाओ, क्या हाल है? वैसे मैं आज तुमसे नहीं, तुम्हारे उनसे मिलने आई हूँ। कहाँ है मिस्टर? बिजी है क्या? ठीक है, वो इतने सारे कामों में बिजी रहते हैं तो उन्हें कहना कि एक मेरा भी छोटा सा काम कर दे। घर में नया मेहमान आने वाला है। सब तुम्हें ही मशवरे सलाहें दे रहे हैं, ये खाओ वो ना खाओ। तो एक नसीहत उनके लिए मेरी तरफ से, अगर वो सिगरेट पीते हैं तो कहो कि सिगरेट पीनी फौरन छोड़ दे। क्यों धुएं में खुद को, तुम को और होने वाले बच्चे का दम घोट रहे हैं? और कहीं तुम तो सिगरेट नहीं पीती? पता है गर्भावस्था में सिगरेट और शराब को छूना भी मना है। इतना ही नहीं, अगर तुम्हारे आसपास भी कोई सिगरेट पी रहा है तो उस जगह से दूर रहो। मेरे पास तुम्हारे और तुम्हारे पति के लिए एक आइडिया है। साथ मिलकर कोई ऐसा काम करो जिसे घर का माहौल खुशनुमा बने। तुम दोनों मिलकर अपना कमरा सुंदर सुंदर बच्चों की तस्वीरों से सजा दो, देखना मन कितना खुश होगा। तो बातें बड़ी छोटी छोटी होती हैं, जिंदगी भी छोटी छोटी बातों का पुलिंदा होती है, लेकिन जरा सा गौर कर लिया जाए तो लाइफ स्मूथ हो जाती है, जिंदगी गुलजार हो जाती है। हमारे साथ लाइव ऑडियंस भी जुड़ी हुई है सवाल पूछने के लिए, वो बेताब हैं। जी पूछिए। जी, मेरा नाम डॉक्टर किरणजीत कौर है और मैं स्त्री रोग विशेषज्ञ हूँ दक्षिणी दिल्ली में। मेरा सवाल डॉक्टर बिस्वाल जी से है। डॉक्टर बिस्वाल, इस अभियान में हम जो है प्रेग्नेंट वुमेन के बारे में ध्यान रख रहे हैं, क्या हम प्री कंसेप्शन काउंसलिंग के बारे में भी कुछ इसमें सोच रहे हैं इस बारे में? ये जो प्रोग्राम है इसके अंदर, तो क्योंकि इसमें क्या है कि हम सेकेंड या थर्ड ट्राइमेस्टर में जो वुमेन आती है उसके लिए स्पेशल प्रोविजन है। उसका मकसद क्या है, इसीलिए प्रोग्राम का मकसद ये है कि हम अगर एक बेसिकली उनका एंटीनेटल चेकअप अगर कोई क्या कहते हैं डॉक्टर कर लेता है, तो वो हाई रिस्क प्रेगनेंसी जो है उसको आइडेंटिफाई करने के बाद उसको अगर हम ट्रैक करके फॉलोअप करें और उसकी सेफ डिलीवरी कराएं तो हमारी मृत्यु दर में कमी आएगी। तो ये इसका बेसिकली पूरा प्रिंसिपल है। तो बेसिकली अगर इसको प्री कंसेप्शन जो है उसके लिए इसके अंदर कोई प्रोविज़न नहीं है अभी फ़िलहाल, बट वो हम अलग तरीके से उसको एड्रेस करते हैं
जिसके अंदर हम फोलिक एसिड वगैरह लोगों को मतलब दी जाती है? बीइंग अ स्त्री रोग विशेषज्ञ, मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो पेशेंट्स की प्रॉब्लम्स जो हैं वो प्रीकंसेप्शन ही होती हैं, जो कि हम अगर टाइमली पकड़ लें उनको तो हम आगे के जो प्रेगनेंसी वाले टाइम है उसमें हम उन कॉम्प्लिकेशंस को बेटर हैंडल कर सकते हैं। नहीं, वो आपकी बात सही है, इसीलिए हम ये कहते हैं कि आपको फर्स्ट ट्राइमेस्टर में रजिस्ट्रेशन करानी चाहिए, मतलब कि 3 महीने के अंदर रजिस्ट्रेशन करानी चाहिए। अभी मैं आपको बता दूं कि हमारी जो रजिस्ट्रेशन फर्स्ट ट्राइमेस्टर में है और 3 महीने के विद इन 3 मंथ्स, वो जो नया डाटा NFHS-4 का आया वो 58% के करीब महिला हमारे पास आ रही हैं जो रजिस्टर हो रही हैं। उससे क्या होता है, वो हमको जो भी उनकी कोमॉर्बिडिटीज़ जिसको बोलते हैं कि कोई हाइपरटेंशन तो नहीं है, कोई और बीमारी तो नहीं है, वो सब पकड़ी जा सकती है। बिल्कुल। डॉक्टर मंजू खेमानी जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, हमने अभी एक क्लिपिंग दिखाई थी जिसमें हमने पुरुषों को यह सलाह दी कि वो अपनी गर्भवती पत्नियों के पास बैठकर सिगरेट ना पिए। जब आपके पास हस्बैंड एंड वाइफ दोनों आते हैं तो क्या आप एक डॉक्टर होने के नाते उन हस्बैंड्स को भी ये सलाह देती हैं कि कुछ कुछ बातें हैं जिनका उनको भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है? मैं कॉमन एडवाइस देती हूँ, अलग से कुछ पुरुष को एड्रेस नहीं करती हूँ। और मैंने ये देखा है जिस तरह के लोग हमारे पास आते हैं, जो पढ़े लिखे लोग, वहाँ पे हस्बैंड्स इक्वल ही शेयर लेते हैं वाइफ की प्रेगनेंसी में, टू लुक आफ्टर वाइफ्स न्यूट्रिशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, टू वाइफ्स यू नो गुड हेल्थ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो प्राइवेट सेटअप में ये पॉसिबल है, पर गवर्नमेंट सेटअप में मैंने देखा था, जब मैं लेडी हारिंग मेडिकल कॉलेज में काम करती थी, वहाँ पे 2 घंटे की एंटीनेटल क्लिनिक होती थी जहाँ गर्भवती महिलाएं आती थी, 200-300 की सरपेंटाइन क्यों होती थी। तो पेशेंट बस आपके पास आया, आपने मैकेनिकली पेशेंट को एग्जामिन किया एंड दैट्स बिकॉज आपके पास वक्त नहीं है। ऐसा नहीं कि आप उनको बताना नहीं चाहते। इसके लिए मैं चाहूँगी डॉक्टर साहब से कि ड्यूरिंग एंटीनेट जब ये पेशेंट्स वेट करते रहते हैं, मेरे ख्याल से कुछ वीडियोस चलने चाहिए जहाँ इनको एम्फसाइज किया जाए कि न्यूट्रिशन का इम्पोर्टेंस क्या होता है प्रेगनेंसी में। बहुत बहुत उम्दा बात की डॉक्टर मंजू खेमानी जी आपने, और इसी के साथ ही मैं आप तीनों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आप इस चर्चा में शामिल हुए। साथ ही मैं अपनी लाइव ऑडियंस का भी शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि इस पूरे माहौल को उन्होंने बेहतरीन बनाया, और इस जानकारी भरे शो को देखकर हमें उम्मीद है कि आपको भी अच्छा लगा होगा। जाते जाते एक छोटा सा शेर है जो मैं सभी माओं को समर्पित करना चाहती हूँ कि लबों पे उसके कभी बद्दुआ नहीं होती, एक माँ है जो कभी खफा नहीं होती। और सभी माओं को ये बताने के लिए कि महीने की 9 तारीख भूलिएगा नहीं, काम बहुत हो रहे हैं, थोड़ा हम कदम बढ़ाएं, थोड़ा आप कदम बढ़ाएं, सब मिलजुल कर साथ चलेंगे तो हम अपने लक्ष्य को प्राप्त ज़रूर कर लेंगे। मातृत्व जीवन में पूर्ण संतोष और आनंद लाता है, लेकिन यह आनंद स्त्री के जीवन और तंदुरुस्ती के लिए एक चुनौती की तरह है। इस समय महिलाओं को विशेष देखभाल की जरूरत होती है क्योंकि उनके साथ जुड़ जाती है एक और मासूम जिंदगी। जागरूकता और बेहतर मेडिकल सुविधा के अभाव में गर्भावस्था कई महिलाओं के लिए जिंदगी का अंतिम पड़ाव भी साबित हो जाता है। महिलाओं की इन्हीं परेशानियों को समझते हुए सरकार ने सुरक्षित मातृत्व अभियान की पहल की है। इसके तहत हर महीने की 9 तारीख को सभी गर्भवती महिलाओं को कुशल चिकित्सकों की ओर से प्रसव पूर्व देखभाल की सुविधा शुरू की गई है। ये अभियान उन महिलाओं के लिए उम्मीद की एक किरण साबित हो रहा है जो गर्भावस्था के समय होने वाली बीमारियों से अनजान रहती थी, और इसका बुरा असर उनके और आने वाले बच्चे के स्वास्थ्य पर पड़ता था। सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों और जहां इसकी सुविधा नहीं है वहां निजी क्षेत्रों के विशेषज्ञों की ओर से हर महीने की 9 तारीख को ये सुविधा मुहैया की जा रही है। जब गर्भ 3 से 6 महीने का हो तो महिलाएं नियमित जांच के लिए स्वास्थ्य केंद्रों में संपर्क कर सकती हैं। इस योजना की सबसे खास बात ये है कि इसमें सभी जांच मुफ्त में की जाती है। ऐसे में कमजोर और गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली महिलाओं के लिए ये किसी सपने के सच होने जैसा है। इसके तहत महिलाओं को अस्पताल की ओर से
मातृ एवं बाल संरक्षण कार्ड दिया जाता है, जिसे दिखाकर वो हर महीने इस योजना का लाभ ले सकती हैं। इस योजना के शुरू होने से मातृत्व मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर में कमी आने लगी है। कुछ समय पहले तक ये एक गंभीर समस्या थी, लेकिन इस अभियान के सकारात्मक परिणामों से स्थिति में बदलाव आने लगा है। जैसे जैसे इस अभियान का विस्तार होता जा रहा है, वैसे वैसे गर्भवती महिलाओं की परेशानियां भी खत्म होने लगी है, जिससे उनके चेहरे पर मुस्कान दोबारा लौटने लगी है।